प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। माई सेल्फ हितेश सैवी मसीह और हम आपके लिए लेके आए हैं परमेश्वर के अभिषिक दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी की कुछ ऐसी पुरानी वीडियोस जिनको देखने के बाद आपको परमेश्वर के गहरे भेद समझ आएंगे, आपको बाइबल की गहरी नॉलेज मिलेगी और यकीनन इसे देखने और सुनने के बाद आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट जरूर करें। हालेलुया, सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब कहें आमेन। हालेलुया, सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। अपनी बाइबल खोलेंगे सब जन, नया नियम इफिसियों 4 उसकी 11 आयत से लेके उसकी 14 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 11 आयत में लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, फिर क्या लिखा जो आयत में, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, सब कहें आमेन। क्या लिखा, कहता उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया। दूसरी आयत में क्या लिखा, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया। फिर क्या लिखा, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया। फिर 4 आयत में चौथा क्या लिखा है, कुछ को रखवाले नियुक्त किया। ये नहीं लिखा, लिखा कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किया। आमेन। हम बोलते हैं 5 तरह की सेवकाई, एक प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे सुसमाचार इवेंजलिस्ट, चौथे पास्टर और पांचवें टीचर। पर बाइबल बताती है 4 तरह की सेवकाई है, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट और पास्टर। और पास्टर एक टीचर होना चाहिए। आज ध्यान से बाइबल को समझना। जब पौलुस ने लिखा कि कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार, चौथी आयत में क्या लिखा, कहता कुछ को पास्टर और उपदेशक और रखवाले। कितनों को समझ आ रही, उसने ये नहीं कहा क्या पौलुस, मेरी बात को ध्यान से समझो, 3 जने खड़े हो जाओ। लिखा उसने, हम फिर पढ़ेंगे, आज टीचिंग डे है, बोलो आज टीचिंग डे है। अगर आप आज का वचन समझें, आप गवाही के लिए यहां खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अब ध्यान से समझना, लिखा मैं फिर से पढ़ता हूं, कहता उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, बोलो ये प्रेरित है, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, फिर लिखा कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले यानी इवेंजलिस्ट नियुक्त करके, चौथा क्या लिखा, कहता कुछ को रखवाले नियुक्त करके। लिखा क्या लिखा है, कुछ को रखवाले नियुक्त करके लिखा, क्या लिखा, रखवाले और क्या। पौलुस जल्दी में था, उसने कहा इतनी बार लिख दिया, नियुक्त करके नियुक्त करके नियुक्त करके, अब इकट्ठा लिख दो ये और ये और ये नियुक्त करके। वो जल्दी में नहीं है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। कहता चौथा जो उसने चुना, कहता कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके उसने कलीसिया को दे दिया, ताकि मसीह की देह उन्नति करे, बढ़े और बालक ना रहे। सबको आमेन। अब ध्यान से समझो, कहता कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार, बाकी लोग क्या बताते हैं, कुछ को पास्टर और कुछ को टीचर। बाइबल ऐसा नहीं बताती, बाइबल में लिखा है कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार, कुछ को पास्टर और उपदेशक। यानी अगर एक पास्टर टीचर नहीं है तो आप गलत चर्च में। कितनों को समझ आ रही है, बाइबल में क्या लिखा, अब्राहम जब परमेश्वर से मांग रहा था, परमेश्वर मुझे बेटा दे, जो तूने मुझे वायदा किया था अपने पिता के घर से निकलने के वक्त, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और क्या होता जा,
और यहां बाइबल क्या कहती है, कहते परमेश्वर ने इन चारों को कलीसिया को दिया ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की उन्नति पाए। आमीन। बाइबल बताती अगर एक पास्टर, अगर आपका रखवाला उपदेशक नहीं है, टीचर नहीं है, तो उसकी कलीसिया कभी सिद्ध नहीं हो सकती। और आपके और चमत्कार के बीच में, आपके और चंगाई के बीच में केवल सिद्धता का फासला है। कितनों को समझ आ रही है? उस दिन आपको क्या बताया गया था कि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में क्या हो? किसकी पहचान के द्वारा? हम फिर से एक आयत पढ़ेंगे, फिलिप्पियों 4 उसकी 4 आयत में। आप मत पढ़ना, मैं पढ़ता हूं, आपने सिर्फ नोट कर लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये कौन कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं अपने क्रिश्चियन, अपने मसीह लोगों, कहता प्रभु में सदा क्या रहो। इसका मतलब क्या है? आनंदित रहने की ताकत किसके अंदर है? कितनों को समझ आ रही है? कहता तुम्हें भिखारियों की तरह परमेश्वर से आनंद मांगने की जरूरत नहीं, कहता परमेश्वर की ताकत तुम्हारे अंदर है, तुम आनंदित रह सकते हो अगर परमेश्वर के वचन को जानते हो। आमीन। पौलुस ने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब क्या है? कहता तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम परमेश्वर के वचन से अपने आप से बात करके पवित्रताई में चल के और एक दूसरे के अधीन रह के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हो। तुम्हें परमेश्वर से भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारा इंतजाम कर दिए। और बाइबल में लिखा है अगर ये चार व्यक्ति कलीसिया में है, लिखा आपका पास्टर अगर उपदेशक नहीं। मैं हैरान होता हूं कुछ चर्च जो एक घंटे में खत्म हो जाती है जब शुरू होती है। एक घंटे में क्या हम आपकी अगुवाई करेंगे और क्या आपको सिखाएंगे और क्या आपको बताएंगे? अगर आपकी चर्च सोई है, आपकी पूरी लाइफ सोई पड़ी है। अगर आपका ध्यान आज स्पिरिचुअल नहीं है, आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। आज ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो बाइबल में लिखा परमेश्वर इसलिए सारे इंतजाम कर रहा है कि आपकी जो देह है, परमेश्वर की जो देह है वो क्या हो, वो सिद्ध हो जाए। जिस तरह परमेश्वर ने अपने अपने दास को बोला था कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। हम फिर से अगर पढ़ते हैं 12 आयत को, लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सब कहे आमेन। हालेलुया। और 13 आयत में लिखा जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। 14 आयत में लिखा ताकि हम सब आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। सब कहें आमीन। उसने कहा ताकि आगे को तुम क्या ना रहो, तुम बालक ना रहो। और अगर हम गलातियां 4 उसकी 1 आयत में बढ़ते हैं, वालिका मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, उसमें और नौकर में कोई भी अंतर नहीं। सबको आमीन। परमेश्वर ने कहा अगर एक व्यक्ति अपने पिता की करोड़ों की प्रॉपर्टी का क्या है, वारिस है, पर अभी ये बालिक नहीं है, अभी ये बच्चा है, लिखा इसमें और एक नौकर में कोई भी फर्क नहीं है। कितनों को समझ आ रही? मैंने संडे को आपको बताया था कि अगर एक छोटा बच्चा आपसे गाड़ी की चाबी मांगे आप दे दोगे? वो आप उससे बहुत प्यार करते हैं, आप तभी भी नहीं दोगे? वो रो रो के बेहोश हो जाए आप दे दोगे? कब दोगे? जब उसे गाड़ी चलानी आती होगी और वो बड़ा हो जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा उसे रोने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद उसे गाड़ी की चाबी दोगे, क्योंकि आप जानते वो गाड़ी अब उसका एक्सीडेंट नहीं करेगी, उसकी मौत का कारण नहीं बनेगी। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए पास्टर उपदेशक सब दिए ताकि कलीसिया की जो आत्मिक उन्नति है वो हो और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, परमेश्वर की डील डोल तक बढ़ सके, वो बालक ना रहे। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि बालक जब तक वारिस है अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का, लेकिन जब तक वो अपनी बालिक उम्र तक नहीं पहुंच जाता उसमें और एक नौकर में कोई भी फर्क नहीं। कितनों को समझ आ रही अभी?
कितने साल का था यूसुफ जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था कि मैं तुझे प्रधानमंत्री, मैं तुझे ऐसा ऊंचा करूंगा कि सब तेरे माता पिता दोनों और तेरे सब भाई तुझे दंडवत करेंगे, जब वो एक छोटा टीन एजर था। और कब पूरा किया परमेश्वर ने वो दर्शन? जब वो 23 साल का हो गया। आप जानते जब परमेश्वर ने मिस्र में से अपने लोगों को निकाला, इसराइलियों को, तो परमेश्वर बाइबल का वचन बताता है कि वो रास्ता सिर्फ कुछ दिनों का था। कुछ बोलते हैं 3 दिन, कोई बोलता है 7 दिन, कोई बोलता है 40 दिन, लेकिन वो 40 दिन के ऊपर नहीं था। कितने साल लगे उनको? अगर आप व्यवस्था विवरण 8 उसकी 2 आयत में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कहता है, मैं इसलिए उनको जंगल में फिराता आया ताकि मैं उनके मन को जांच लूं कि उनके मन में क्या क्या है मेरे लिए। आज ध्यान से वचन को सुनना, आमीन। आपके और जिस काम के लिए, जिस महिमा के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है, उसमें एक ही अंतर रह चुके हैं, आपकी सिद्धता का अंतर। आप जब परफेक्ट होंगे और परमेश्वर की योजना के नीचे आ जाएंगे, आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इंतजाम किया, प्रेरित नियुक्त किए, भविष्यद्वक्ता किए, इवेंजलिस्ट किए, ऐसा पास्टर नियुक्त किया जो उपदेशक भी हो, जिसे टीचिंग करने भी आती हो, जो वचन को जानता हो, आमीन। और बाइबल में मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाएगी, के मांगने से बढ़ेगी। पौलुस ने कहा भाई प्रभु में सदा आनंदित रहे, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ताकत है अपनी जिंदगी की हर सिचुएशन में आनंदित रहने की। इसकी बीमारी इसे आनंदित रहने से रोक नहीं सकती, इसकी गरीबी इसे आनंदित रहने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये जानता है कि इसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो गवाही के लिए हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। अब ये जानता है कि परमेश्वर कह रहे हैं ताकि आगे को तुम बालक ना रहो, क्योंकि जो बालक है उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, उसे टॉफी दिखाओ ले जाओ, चॉकलेट दिखाओ ले जाओ, कोई भी भरमावा दो उसे ले जाओ, लेकिन जो आत्मा में बड़ा है वो समझते हैं कि परमेश्वर का टाइम है मेरी जिंदगी में काम करने का, तब तक मुझे परमेश्वर के हाथों के नीचे रहना है, आमीन। इसलिए पौलुस ने लिखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, कहता परमेश्वर की पहचान रखो ताकि अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। बाइबल का एक भी वचन ऐसा नहीं बताता कि आपको वो सब कुछ पहले से नहीं दिया गया। यीशु मसीह ने आखिरी क्रूस पे क्या शब्द बोले थे? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? आपकी चंगाई का काम पूरा हो चुका है, आपकी बरकत का काम। अब रहता क्या है? कहता मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, ताकि जो चीजें मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो आशीष मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो बरकत आत्मिक और शारीरिक मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में दे सकूं और तुम्हारे द्वारा मैं लोगों की जिंदगी में भी काम कर सकूं, हालेलुया। लिखा कुछ को प्रेरित, कुछ को इवेंजलिस्ट, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को पास्टर और उपदेशक नियुक्त किया। परमेश्वर अगर इंटरेस्टेड है तो आपके सिद्ध होने में, आमीन। वो छोटे बच्चे को गाड़ी नहीं देना चाहता, वो उसको मरवाना नहीं चाहता। अब छोटे बच्चे को रोने की जरूरत है या बड़ा होने की? क्या इसको रोने की जरूरत है, बड़ा होने की जरूरत है? उसी तरह परमेश्वर ने चाहता हम हर बात के लिए उससे भीख मांगे रो रो के। वो ये चाहता है कि हम वचन की गहराई में जाएं, परमेश्वर को ढूंढें, और वो खुद ब खुद लिखता है कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो ये सारे सुख तेरे पीछे पड़ के मिलेंगे। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर के दास ने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, इसका मतलब क्या है? आप आनंदित रह सकते हैं, आज से आप आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप आज बीमारी में आनंदित नहीं है, कल आप चंगाई में भी आनंदित नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता कि आनंदित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको ताकत दी है आनंदित रहने की, हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। हमें कंप्लेंट करने की जरूरत है अभी कि परमेश्वर तू कदों मैनू शांति देगा, तू कदों मैनू बरकत देगा? जिस दिन यूसुफ की जिंदगी में वो मसा हो गया था कि वो प्रधानमंत्री बने, परमेश्वर ने एक रात में उसके रास्तों को खोल दिया था। कि तुमको समझ आ रही है? इतनी देर वो क्यों इंतजार करता रहा? क्या वो चाहता कि यूसुफ दुखी रहे? क्या वो ये चाहता था परमेश्वर कि यूसुफ आंसू बहाए? क्या वो ये चाहता कि यूसुफ हमेशा दुखी रहे? परमेश्वर दुख देना नहीं चाहते,
लेकिन वो बच्चों के हाथ में ब्लेड देना भी नहीं चाहते, तलवार देना भी नहीं चाहते, बंदूक देना भी नहीं चाहते। बाइबल कहती है यूसुफ जेल में रहा, परमेश्वर की रजा में रहा, पोतीपर के घर में रहा, नौकरी की, परमेश्वर की तारीफ करता रहा। और जब वो मसा उसकी जिंदगी में आ गया, परमेश्वर ने एक रात में उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। अब उसकी और उसकी आशीष में क्या फर्क था? सिर्फ सिद्ध होने का। बच्चा कौन है आज जो हर संडे फिर से अपनी जिंदगी परमेश्वर को देते हैं, मतलब परमेश्वर गलती हो गई, प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, आगे नहीं करूंगा। बच्चा पाप करते हैं और रोज माफी मांगते हैं। कितनों को समझ आ रही क्या निशानी है? अब आत्मा में बच्चे हैं, आप पाप करते जाएंगे और माफी मांगते जाएंगे। आप करना नहीं चाहते लेकिन आप करते जाएंगे और माफी मांगते जाएंगे। इसका मतलब ये है अभी तक आप आत्मा में बच्चे हैं। आज एक विश्वासी को क्या जरूरत है? सबसे पहले लिखा ताकि वो मसीह की डील डोल तक बढ़ जाए और सिद्ध हो जाए, ताकि जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है आपको रोने की, चिल्लाने की और करलाने की जरूरत ना पड़े, वो आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आती जाए। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यूसुफ जब 30 साल का हुआ, परमेश्वर ने एक रात में उसके रास्तों को खोला। अगर आप पवित्रताई में सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, अगर आप पवित्रताई में, तो एक रात में परमेश्वर आपकी पूरी सिचुएशन, पूरे परिवार को बदलने की ताकत रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपको किसी चीज की जरूरत है, वो केवल ये कि आपने परमेश्वर की ओर देखना है और बालकपन से बाहर आना है। लिखा बालक चाहे जितना मर्जी अच्छा है, सुंदर है, लेकिन जब तक वो बालक है, अपने पिता के करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस होने के बावजूद भी उसमें और नौकर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो अपने पिता की सब आशीषों का आनंद नहीं ले सकता, उसके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रख सकता। हालेलुया। फिर से 12 आयत को पढ़ूंगा मैं। लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सब बोलो सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्ती पाए। सब गए आमीन। उसने क्या कहा? ताकि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या करे। परमेश्वर ने क्यों दिए प्रेरित, क्यों दिया वो पास्टर जो उपदेशक हो, जो टीचर हो? ताकि सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह क्या हो, उन्नति पाए। आमीन। आज मैं सुबोपदेशक पढ़ रहा था, और जब मैं सुबोपदेशक पढ़ रहा था तो वहां पे एक राजे का जिक्र है, और वो राजा कह रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। कहता मैं सबसे अमीर हूं, लेकिन मैंने एक बात आज देखी कि जो मैं कमा रहा हूं उस अपने बाद उस व्यक्ति के लिए छोड़ के जा रहा हूं जो मैं नहीं जानता अच्छा निकलेगा या बुरा निकलेगा। कहता मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मैंने क्या देखा कि इस दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। और सही क्या है कि मनुष्य खाए पिए परमेश्वर के आज्ञाओं के बीच रहते हुए अपनी जिंदगी में आनंदित रहे। और पौलुस ने भी ये बात लिखी कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि अगर आप आनंदित नहीं है आप परमेश्वर के अच्छे गवाह नहीं बन सकते। बाइबल में लिखा है जब आप परमेश्वर के वचन को लागू करते हैं अपनी लाइफ में, आप एक गवाह बनते हैं दूसरों के लिए और दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए। आमीन। और बाइबल कहती है अगर आप दूसरे के लिए आशीष का कारण नहीं है, आप खुद भी आशीषित नहीं है। कितने कितने आज समझ रहे हैं? मैं आपको रिपीट वचन दे रहा हूं आज। उसने कहा कुछ को पास्टर और उपदेशक नियुक्त किया ताकि कलीसिया अगर टीचिंग में नहीं है, वो कलीसिया कभी भी बढ़ नहीं सकती, वो कभी भी आनंदित नहीं रह सकती, वो रोती और धोती रहेगी परमेश्वर के सामने, ये ना जानते हुए कि उसके सारे कामों को परमेश्वर ऑलरेडी कर चुके हैं, उसे सिर्फ परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आज जब लोग कंप्लेंट करते हैं कि क्या लिखा, कहता अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ेगी जब तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे। पहचान का मतलब क्या? यूनानी इपिग्नोसिस। इपिग्नोसिस का मतलब क्या है? वो वचन जो आप सुनते हैं उसे अपनी जिंदगी में क्या करना, लागू करना। वो पहचान नहीं, आप बाइबल स्टडी करें 3 साल की किसी कॉलेज में जाके और आप बोले कि मैं परमेश्वर को पहचानता हूं कि मैं 3 साल BTH करके आया हूं, फलाना करके आया हूं, MSc करके आया हूं बाइबल की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इपिग्नोसिस का मतलब क्या कि जो तूने सुना उसको तूने अपनी जिंदगी में क्या किया,
लागू किया, अब तू क्या करता है? परमेश्वर को पहचानते हैं। आपको अपनी अमीरी के लिए प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। कहता अपने दशवांश को परमेश्वर के भवन में लेके आ ताकि तू कभी भी गरीब ना रहे। और अगर आप फिर इसकी प्रार्थना करवाते जाएंगे, इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर को अभी तक जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं। जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान से समझना, आपको प्रेयर करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को पहचान जाएंगे कि परमेश्वर ने मेरी अमीरी का इंतजाम किए हैं, मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है और परमेश्वर ने बाकी काम को अपने आप मेरी जिंदगी में करते जाना है। और आज जब एक विश्वासी परमेश्वर को जानता तो है लेकिन पहचानता नहीं है, प्रैक्टिकली वैसे जानता है कि हाँ मुझे परमेश्वर के भवन में अपने टाइट को बोना है, मुझे परमेश्वर में पैसे को बोना है ताकि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर सके, लेकिन बो नहीं पाता, इसीलिए प्रॉब्लम में, गरीब है और इसीलिए बंधन में भी है। इसीलिए जो उसने प्रैक्टिकली लागू नहीं किया, अनुग्रह और शांति उसकी जिंदगी में नहीं। कितनों को समझ आ रही है? कई चीजें आपको प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेनु आनंदित कर, ये प्रार्थना गलत प्रार्थना है। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, ये प्रार्थना गलत प्रार्थना है। कहता प्रभु में आनंदित रहो, आप स्वर्ग जाने, क्या आप आनंदित नहीं है? शैतान आपको स्वर्ग जाने से रोक नहीं सकता, क्या आप आनंदित नहीं है? शैतान को नरक जाने से रोक नहीं सकता, क्या आप आनंदित नहीं है? तारीफ करो सब जन परमेश्वर की, आमीन। आप स्वर्ग जा रहे, क्या आप आनंदित नहीं है? ये आनंद काफी है मेरे लिए कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। इस दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई मायने नहीं करता, जबकि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, ये आनंद मेरे लिए काफी है, आमीन। कितनों को समझ आ रही है आज? उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं, पिता मैंने कह दो पवित्र आत्मा देगा। एक औरत परमेश्वर के दास के पास जाके बोलती है, मैं 30 साल से परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रही हूं, मुझे मिला नहीं। कहता आंखें बंद कर, तू अभी पवित्र आत्मा रिसीव करेगी। उसने आंखें बंद की, उसने प्रेयर की, अभी तभी पवित्र आत्मा उसे मिला। बात क्या है? एक जना आपके बीच में ऐसा नहीं है जो वचन को पूरी रीति से जानता हो और यह जानता हो कि किस तरह से परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में काम करते हैं, आमीन। जब पास्टर बेनी हिन की मैं गवाही को सुना था, उन्होंने कहा मैंने कभी प्रेयर नहीं की कि मेरी मीटिंग में लोग चंगे हों, और मैं हैरान हो गया। फिर जब मैंने अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दिया तो मैंने भी ये ध्यान दिया कि मैंने कभी प्रार्थना नहीं की इतनी कि परमेश्वर मेरे पैसों का इंतजाम कर, मैंने बड़ी जगह लेनी है। मैंने बोया और काटा है, रोया धोया नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? फिर ध्यान से समझो, मैं क्यों आपको वचन वही दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से बाइबल को समझ सकें। लिखा परमेश्वर अगर आपको कलीसिया देते हैं उसमें आपको उपदेशक देता है, और वो उपदेशक अगर टीचर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो टीचर नहीं है और टीचिंग नहीं कर सकता, आप परमेश्वर की प्लानिंग को समझ नहीं पाएंगे। आप रोते रहेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तू कब मेरे रास्ते खोलेगा? जबकि आप जानते हैं अगर आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, पैसे में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बोना पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं चंगाई आपकी जिंदगी में आए, सामर्थ्य आए, आपको पवित्रता में रहने की जरूरत है। बस ब्लू फिल्म देख के आप पवित्रता में नहीं बढ़ सकते और सामर्थ्य में नहीं बढ़ सकते, आमीन। कितने समझ रहे मेरी बातों को? इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब तू मेरी पहचान में बढ़ेगा, पहचान मतलब जब तू ये सुनेगा कि मैं जो सुन रहा हूं मैंने अपनी जिंदगी में लागू करना है, लेकिन अनुग्रह और शांति तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पिछले बारी भी बताया था कि शांति का मतलब क्या है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था मैं अपनी शांति तुम्हें देके जाता हूं। जब कोड़े पड़े थे शांति नहीं गई थी। आज लोगों की शांति खत्म हो जाती है जब थोड़ी सी प्रॉब्लम उनकी जिंदगी में आती। अगर किसी व्यक्ति की असली हैसियत आत्मिक देखनी हो ना, तो जब उसके घर में मौत हो जाए या बड़ी मुसीबत आ जाए, तब उसके शकल, उसके बोल देखना, आपको समझ आ जाएगी वो असली आत्मिक है कि नकली आत्मिक है। तब वो परमेश्वर को ब्लेस करता है, आशीषित करता है, धन्य कहता है, या ये कहता है हाय प्रभु तू क्यों कर देता है, तू ऐसा क्यों कर देता है। कितनों को समझ आ रही है? आपको प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बनना, ताकि लिखा ताकि सेवा का काम किया जाए। अब ध्यान से समझना, आ जाओ 3-4 जने। मैं कहता हूं कि मेरी छोटी सी ये कलीसिया है, ये 4 जने, ये मेरी, ये मैं पास्टर हूं, ये भेड़े हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब ज्यादा लोग क्या कहते हैं, साढ़े को थोड़ियां भेड़ा ने पर
बड़िया पक्या ने पर बहुत वधिया ने वचन च पूरिया ने। अब मेरी बात सुनना, मैं कहता हूं मेरे पास थोड़ी भेड़े हैं, समझ आ गई सबको, मैं इनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा हूं और मैं इनको खाना दे रहा हूं और पानी दे रहा हूं और चरगाहों में लेके जा रहा हूं, तो क्या ये चार पांच नहीं होंगी? क्या ये बच्चे नहीं देंगी? जब पांच हो जाएंगी छह नहीं होंगी? जब छह हो जाएंगी बारह नहीं होंगी? तो जब 35 के बाद भेड़े रुक जाती हैं तो कहां प्रॉब्लम है? कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर मैं कहता हूं कि मैं इनको अच्छी टीचिंग दे रहा हूं, मैं इनको अच्छा खाना दे रहा हूं और पानी दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूं इनको आगे, तो 4 की 8 और 8 की 16 और 16 की 32 के बाद वो 33 क्यों नहीं होती 6 साल से? क्योंकि भेड़े बांझ हो चुकी हैं कलीसियाओं में। कैसे? जो उपदेशक, जो रखवाला, जो पास्टर उपदेशक नहीं है वो एक लेवल तक ही काम कर पाएगा अपनी कलीसिया में। और परमेश्वर की मर्जी नहीं है ये। जिस कलीसिया में आज 20 लाख लोग हैं वहां भी लोगों की उतनी केयर होती है जिस कलीसिया में 20 लोग हैं, उनसे ज्यादा होती है। लेकिन शैतान का भरमावा क्या है आज? अगर थोड़े होंगे तो ज्यादा केयर होगी, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जहां ज्यादा ग्रेस होगी वहां ज्यादा लोग आशीषित होंगे। अब ध्यान से समझो, मैं कहता हूं अगर ये चार हैं और मैं इनके अच्छी रखवाली कर रहा हूं, पानी दे रहा हूं, मैं इनको खाना दे रहा हूं, उनको चरगाहों में लेके जा रहा हूं, तो ये 8 क्यों नहीं हो रही, ये 16 क्यों नहीं हो रही, ये 32 के बाद 64 क्यों नहीं, 64 के बाद 128 क्यों नहीं, 256 क्यों नहीं हुई, 512 क्यों नहीं, 1024 क्यों नहीं हुई, 2048 क्यों नहीं हुई? आमीन। कितनों को समझ आ रही आज? क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं, मेरा विश्वास एक लेवल तक है। जब मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं भेड़े कभी बढ़ नहीं सकती। आपको 40 दिन के रोजे रख के 10 लाख रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके हाथ में बीज है आपको बोने की जरूरत है, आप फसल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अब प्रॉब्लम कहां पे है? आज कलीसिया प्रैक्टिकल नहीं है। कई बार लोग जब मुझसे मिलने के लिए आते बोलते हैं हमारा बिजनेस डाउन है, हम बढ़ नहीं रहे। मैं उनको बता नहीं पाता हूं जब वो अकेले अकेले होते हैं, मैं कलीसिया में बता पाता हूं जहां परमेश्वर का मसाब आपके बीच में है। आमीन। अब कलीसिया को रोने धोने की जरूरत नहीं है। आप यकीन करो, बेनी जी गवाही, मैं आपको बताऊंगा वो कहां, किस यूट्यूब चैनल पे, उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे चंगाई का वरदान दे। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ पवित्रताई में थी। पवित्रताई में रहते रहते परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, सेवा करनी शुरू की, लोग चंगे होने शुरू हो गए, क्रूसेड होने शुरू हो गए। मैंने लोगों को देखा 10-10 घंटे प्रार्थना करते, परमेश्वर 2 मरले का इंतजाम कर दे, 5 मरले का इंतजाम कर दे, लेकिन बीज कभी नहीं बोया। क्या यह प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं? क्या यह प्रैक्टिकल है प्रार्थना करते रहना और बीज ना बोना? क्या यह लागू किया फिर उसने वचन को? लागू नहीं किया भाई, सिर्फ पढ़ा, सिर्फ जाना, पहचाना नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो जान नहीं पहचान भी। आमीन। कुछ लोग सिर्फ जानते हैं परमेश्वर को, हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए था, हाँ हाँ प्रे करनी चाहिए थी, हाँ हाँ रोजे रखने चाहिए थे। कितने रोजे रखते हैं आप? भूख बहुत लगती है, मैंने शुगर है ना, शैतान ने जानबूझ के आपको शुगर दी है आप रोजे ना रख पाए, जानबूझ के अल्सर दिए आप रोजे, वो जानता है जिस दिन रोजे शुरू हो गए उसका हाल क्या होगा। जो शरीर नहीं जीत सकता वो शैतान को नहीं जीत सकता, इसलिए शैतान आया था यीशु मसीह के पास, बोला था ए भाई ये रे रोटियां खा, ये रोटी बना पत्थर को, तेरे को सामर्थ है कि है जे तू परमेश्वर का बेटा दे बना रोटियां खा ला हूं। उस टाइम का दी लोड़ सी परमेश्वर नु रोटी दी, रोटी बहुत बड़ी चीज है नहीं, लेकिन जरूरत की सकी थोड़ी, तो जरूरत लेके शैतान तुम्हें प्रमाण ले आता हमेशा। तो जे परमेश्वर ने शरीर ना जितया होता तो शैतान नु कभी जित नहीं सकते। परमेश्वर का शैतान इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जिंदा रहेगा। आपका परिवार बचेगा जब आप शरीर जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस चलेगा जब आप शरीर जीतेंगे। आमीन। आपकी फाइट क्या है? सिद्ध होना। आपकी लड़ाई किसी के साथ नहीं, अपने शरीर के साथ और शैतान के साथ। आपको रोने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर
कदों करेगा? परमेश्वर कहता तू कदों समझेगा काका, मैं तो कर देता, तू ही नहीं समझता, तू बाइबल खोलेगा तो समझेगा, चर्च जाएगा वचन सुनेगा, चंगी चर्च जाएगा वचन सुनेगा। मैं नहीं कहता खामरा चंगी, सब एक ही चर्च है खामरा चंगी चर्च, पर जहां टीचिंग नहीं है फिर लोग प्रैक्टिकल नहीं है। वचन जानते हैं, पहचानते नहीं है यीशु मसीह को, जानते सब कुछ है, लागू नहीं कर पाते। क्यों? ना तो उस चर्च में ग्रेस है और ना वहां पे टीचिंग है परमेश्वर की। इसलिए परमेश्वर ने कहा चौथा कौन नियुक्त किया? उपदेशक और रखवाला, वो इकट्ठे हैं ताकि जो भेड़े हैं, आप जानते हैं जब भेड़े जाती थी तो उनको उनको कीड़े काटते हैं भेड़ों को, और जो 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 चरवाहा होता है वो भेड़ों को तेल मलता है कि जितने कीड़े मच्छर उन्हें काट रहे हैं उधर को चले जान। हर चरवाहा जो बिना तेल के उसकी भेड़े हमेशा शैतान का शिकार रहेंगी। आज लोग चर्च कौन सी जाते हैं? जो उस घर के सबसे नजदीक है। वो बड़ी लंबी बंदगी होती है जी, 2-3-4 घंटे ला देंगे खामरे वाले। आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? आपने सारी उम्र मान लो झूठ नहीं बोला, आप बड़े अच्छे हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, क्या आपकी खेत में बिना बीज बोए फसल आ सकती? मैं कहता हूं गारंटी देता हूं, मैं कहता हूं आप सबसे अच्छे इंसान है दुनिया के, लेकिन बिना बीज के आप फसल नहीं ले सकते। हालेलुया। तो आज कलीसिया को क्या जरूरत है? प्रैक्टिकल बनने की जरूरत है या रोने धोने की जरूरत है? प्रभु रस्ते खोल, साड़ी गरीबियां खत्म कर। प्रभु कहना मैं इंतजाम करता, बाइबल दे खोल। हालेलुया। मैंने कभी गिड़गिड़ाया नहीं, भीख नहीं मांगी परमेश्वर कब तू जगह का इंतजाम करेगा? मैं जानता हूं मुझे सामर्थ में बढ़ना है, मैंने बोना है बस। जब मैं यूथ ग्रुप में होता था, जो मेरा साथी होता था यूथ, वो मुझे पागल बोलते थे, कहते थे ये मीरा था मुंडा था। अमीर नहीं था मैं, उनको उनको शायद वहम था और वहम आज पक्का हो गया उनका। आमीन बोलते थे, और यार इन्हों की पता एदा मोटरसाइकिल चर्च वाले इस्तेमाल कर दे, तेल एदा मोटरसाइकिल एदा ठोक देंदे, इन्हों की पता, सानू पता पैसा कितना कमाई दा, असीं तेरा मोटरसाइकिल साइड से कर लो, मम्मी नू काम है मैं चलना भाई। पास्टर नू कौन घुमा घुमा लेके जाएगा? अंकुर। पास्टर नू लेके कौन आएगा? हां मैं ही। आज कितने हमें कितनों को समझ आ रही? मैं आज भी वो जने वही काम कर रहे दुकानों में, वही खड़े वही वही वही। मैं जानता था मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, मैं करो तो सही मेहनत, प्रैक्टिकल बनो तो सही। मैं मुझ में और अविश्वासी में फिर क्या फर्क है जो परमेश्वर के दर में हर संडे भिखारियों की तरह जाके मांगता है लेकिन काम कुछ नहीं करता? बाइबल बताती एक विश्वासी जब बुलाया जाता है तो एक दिन उसको परमेश्वर अनुग्रह देता है वो सेवा करे, वो प्रचार करे, सुसमाचार फैलाए, और उसकी सेवा के पीछे उसकी जिंदगी की सारी आशीष छुपी है। और बाइबल बताती इसी कारण शैतान लोगों को सेवा करने नहीं देता। शैतान जानता है कि वो जितना मर्जी अच्छा हो लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं चलेगा परमेश्वर उसको कुछ नहीं देने वाले। इसलिए मैंने आपको पहले सारा वचन समझा दिया ताकि अब मैं जब आपसे बात करूं आपको समझ आए मैं आपसे क्या कह रहा हूं। हालेलुया। कहते मैंने चार जने दिए, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार इवेंजलिस्ट, उपदेशक और रखवाले इकट्ठा, ताकि पास्टर तुम्हें टीच कर सके और तुम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। जिस चर्च में मसा नहीं है वो आपके आप पे तेल नहीं मल रहे, आपको कीड़े काटेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको मच्छर काटेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तेल आपको बचाएगा मच्छर और मक्खियों से। हालेलुया। फिर बाद में आपको पास्टर के सामने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है, मेरे 10 साल हो गए जी बिजनेस से रस्ते नहीं खुले। हालेलुया। आपको बोने की जरूरत है, आपको प्रार्थना की जरूरत है, प्रैक्टिकल लागू करने की जरूरत है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में। आमीन।
आप ये नहीं कि आप यीशु मसीह बन जाएंगे, आप धीरे धीरे उसे प्रैक्टिकल लागू करेंगे। आप एक गलती करेंगे, पछताएंगे, फिर आप बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। मैं व्यभिचार की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी मोटी गलतियों की, लेकिन आप एक दिन देखेंगे अपने आप को सिद्ध होते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता आप भीख मांगे, वो नहीं चाहता आप रोए चिल्लाए। परमेश्वर कहते तुम्हें दुष्ट आत्मा तो आजाद करेगा। बाइबल लिखा पवित्रता में बढ़ और शैतान को बोल कि मेरे अंदर परमेश्वर है। एक कुर्सी में कितने जने बैठ सकते हैं? अगर यहां परमेश्वर बैठे तो शैतान कैसे बैठ सकता है? वो बैठ सकता है आपकी अज्ञानता के द्वारा। अज्ञानता है बस लोगों में, अभी भी खेल रहे हैं प्रार्थना के बाद। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है परमेश्वर के प्रेम के ऊपर। आप गुस्सा नहीं करते हैं शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर। गुस्सा तब आएगा जब आप परमेश्वर के वचन को लागू किया होगा, आपके अंदर एक अजीब दलेरी होगी, आप शैतान को बोलोगे जाओ तो वो जाएगा। आपने शरीर को जीता होगा, आप शैतान को जीतोगे। आमीन। मैं लोगों को बता रहा था, अगर आप, मैं आपको एक बार आपको मैं वंशावली पढ़वाऊंगा यीशु मसीह की। लूका में है और मत्ती में है, दोनों वंशावलियां अलग अलग हैं। मैं आपको हैरान कर दूंगा उस बात में। एक वंशावली मरियम की है और एक वंशावली यूसुफ की है। आप जान दें एक बात को, इब्रानी यूनानी भाषा में जवाई नाम का कोई शब्द नहीं है। इन्हें समझ रहे मेरी गल? जवाई, जवाई नु की कहते दमाद, सन इन लॉ। यूनानी भाषा दे विच सन इन लॉ नाम का कोई शब्द नहीं है। बाइबल दस दी है जिस दिन एक व्यक्ति की मैरिज हो गई, लड़की ने माता पिता, बाइबल के मुताबिक उस लड़के दे हुन माता पिता, सस सोरा नाम दा, दमाद नाम दा, पंजाबी की कहते हैं दमाद, जवाई, जवाई नाम दा कोई शब्द बाइबल च नहीं है। बाइबल च लिखा जो तुम पति पत्नी एक मन एक तन होंगे तो तुम किन्ने जने हो? हुन अलग अलग सोरा सोरा सस नहीं है गे। बाइबल दे मुताबिक वो तुहाडे माता पिता है। और जे तुसी इज्जत नहीं करोगे लंबा नहीं जी सकते। हुन मसीह लोगों को पता ही नहीं है, मसीह लोग यही कर रहे हैं जो आज सास बहु सीरियल कर रहे हैं। और ये सीरियस गल है, अगर तुम अपने सास ते सोरे नु प्यार नहीं करते, बाइबल दे मुताबिक तुसी अपने माता और पिता नु प्यार नहीं करते और तुसी लंबा नहीं जी सकते, बीमार जियोगे। हुन एक विश्वासी नु पता नहीं है कि यूनानी भाषा दे विच जवाई नाम दा कोई शब्द ही नहीं है। परमेश्वर दे सामने जवाई जवाई नहीं है, वो बेटा है। बहु बहु नहीं है, वो बेटी है। उन लोगों नु पता ही नहीं है, वो हाले भी सास सोरा लेके चल रहे हैं, वो ब्रदर हाले भी सास सोरा लेके चल रहे हैं, वो कुड़ी हाले भी सास सोरा लेके चल रही, जिदे करके ब्लेसिंग नहीं। किन्हें समझ आ रही हुन गल दी? पर जो एक व्यक्ति बाइबल नू पढ़ता है और बाइबल नू जानता है, समझता है और प्रैक्टिकल होना शुरू करता है अपनी जिंदगी दे विच, फिर रोन की लोड़ नहीं पैंदी। परमेश्वर इंतजाम कर, परमेश्वर मेरे रास्ते नू खोल, मेरे बिजनेस नू खोल, मैनू चंगा कर। एक टाइम आया जो परमेश्वर ने मैंने क्या अपनी चंगाई की प्रार्थना करनी छड़, लोगों ते ध्यान दे। अगर तू लोगों नू चंगा करेगा तू खुद भी बीमार नहीं रहेगा। आप यकीन करो, मेरी चंगाई उस साल हुई थी जिस साल मैंने अपनी चंगाई की प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तुम अपना ध्यान नहीं लेकिन दूसरे का भी ध्यान दो। तुम सिर्फ प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी परमेश्वर के वचन अपनाओ। आमीन। फिर रोन की लोड़ नहीं पैनी, करलान की लोड़ नहीं पैनी। छोटा बच्चा रो ही जाए, रो रो के बेहोश हो जाए, दे दोगे गड्डी की चाबी? क्यों नहीं दोगे? तुम प्यार नहीं करते उन्हें? पर तुम जानते हो हले टाइम नहीं है। हालेलुया। अगर वचन नूं आपां जान जावांगे, समझ जावांगे, फिर रोण दी लोड़ नहीं पैनी। एक गल समझो, चर्च नूं परमेश्वर नूं तुहाडे पैसों की लोड़ नहीं है। वो कुछ भी करन दी ताकत नूं रखदा है, लेकिन उन्हें नियम बनाया कलीसिया च ताकि लोग गरीब ना रहन। उन्हें प्रैक्टिकली सानूं चलन दे लई किया ताकि सारे इंतजाम साडे लई कीते गए, साडे फायदे लई। हालेलुया। किन्हां नूं समझ आ रही है गल?
पौलुस कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो, कहता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर को बोलना वह तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तुम्हें आनंदित करे, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तुम्हें चंगा करे। पत्रस ने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। पौलुस कहता आनंदित रहो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अपने आप से भजन संहिता से बात करके। आज जब एक व्यक्ति घटी में है ना, जो बिजनेस नहीं चल रहा बोला कि बोल रहे हैं मेरा काम कभी नहीं चल सकता। परमेश्वर भी तुहानू चंगा नहीं कर सकते अगर तुहाडे शब्द बदलनगे नहीं था। हालेलुया। आज जो एक विश्वासी बाइबल के वचन नू समझदा लाइफ उथों शुरू होंदी। आमीन। रोन की लोड़ नहीं पैंती, कुड़कुड़ाने की लोड़ नहीं पैंती, पता हर एक चीज का टाइम है। मेरा काम है पवित्रता च चलना, सिद्ध होना और परमेश्वर के वचन च प्रैक्टिकली बदना। हालेलुया। फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आने की जरूरत नहीं पेगी। तुहानू 10 साल हो गए जी काम नहीं बदया, 10 साल हो गए जी बीमार हाँ। असी एक व्यक्ति जरा लालची है जरा परमेश्वर ने प्रेम नहीं करता कभी बीज नहीं बोएगा, वो कभी प्रेयर च नहीं जाएगा। शरीर ना प्यार करने वाला बंदा कभी रोजे नहीं रखेगा। तारीफ करो सब जन परमेश्वर। आमीन। जब मैं वंशावलियां पढ़िया मत्ती ते लुकाज दोनों अलग अलग सी, मैं कहा एक बंदे की वंशावली अलग अलग किदा हो सकती, लेकिन एक मरियम दे विचों निकली, एक यूसुफ दे विचों निकली। और जब मैं ध्यान ना बाइबल नू पढ़िया दामाद नाम का कोई शब्द नहीं है बाइबल च, क्योंकि मैं आदत है ओरिजिनल बाइबल पढ़ने की यूनानी। जब मैं पढ़िया दामाद नाम का शब्द ही नहीं है जरा प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए शैतान नू मौका मिलता है वो तुहाडी जिंदगी दे विच गड़बड़ पैदा करे। जिन्नी शांति हुण मेरी जिंदगी दे विच है पहला कदी मेरी लाइफ च नहीं सी। चाहे तुम सेवा करते हो कुछ भी करते हो जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं हो 100% शांति भी नहीं है। एक सेवक है हले भी इस दुनिया के विच है, वो कार च जा रहा सी, जांदे जांदे एक्सीडेंट होया कार दा और कार ने उलट बाजियां मारियां ठग उलट बाजिया और हाथ मोबाइल से मोबाइल से टैक्सट करता रहा मैसेज करता रहा। और ड्राइवर चीका मारता रहा कहना मैं टेंशन लैन की लोड़ नहीं है, कहना हमने गड्डी सीधी हो जानी, वो गड्डी सीधी होगी उस वे। एक कॉन्फिडेंस थोड़े अंदर रहेगा जो तो परमेश्वर का वचन थोड़े नाल रहेगा। फिर तुम जानते बीमारी जी शैतान तुम डरा रहा परमेश्वर की महिमा दे लई है, जी प्रॉब्लम शैतान तुम डरा रहा तुम गवाही नाल वापस आ रहे हो यीशु मसीह के नाम च। आमीन। किन्हां नूं समझ आ रही आज तो सिर्फ अगर एक विश्वासी समझ जाए कि मेरा काम की है, तुहाडा काम है बाइबल नूं खोलो रोज, रोटी खाना भुल जाओ, कुछ करना भुल जाओ, बाइबल पढ़नी इनू समझना कदी ना भुलना जे सुखी रहना। हालेलुया। बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना करना 30% 25% काम है सिर्फ। बिना बाइबल पढ़े प्रार्थना करना 25% काम है। आज किन्या नू समझ आ रही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन तुहाडे ते जिम्मेवारी पा रहा है। पौलुस ने क्या ऐदा कहना और मैं प्रेयर करूंगा तेरे वास्ते कि रब तेनू आनंदित करे, ऐदा लिखे बाइबल च। कहना जा प्रभु च आनंदित रह, इहदा मतलब की है ताकत इहदे अंदर है आनंदित रहने। हुण शैतान इन बीमारी दिखाए प्रॉब्लम दिखाए लेकिन बाइबल च लिखे अगर ये प्रैक्टिकल है तो ताकत ये अंदर आनंदित रहती, कोई अंधकार की शक्ति तुहाडी ताकत नूं चुरा ना पाई यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। जो तो इस गल नूं समझिया आज मैं आनंदित अपनी लाइफ च। जदों संसारिक चीजा का आनंद संसारिक चीजा का प्रेम खत्म होता जाएगा वो शांति वधदी जाएगी, दुनिया च भूचाल भी आएगा ना तो हमेशा शांत और अनुग्रह और आनंदित रहोगे। हालेलुया। ये बाइबल पढ़िया लिखा इसहाक शाम दे टाइम परमेश्वर दे वचन दा ध्यान करन लई जांदा सीगा, किन्ने पढ़िया तुसी देखो महान महान बंदे जिहड़े बाइबल च बहुत उच्ची उच्ची परमेश्वर ने पोस्टां ते पहुंचाए हैं, उन्होंने एक बड़ी वधिया आदत सी परमेश्वर दे वचन ते ध्यान करन दी। वो ध्यान नहीं कि जाके नदी के किनारे बह के ना ध्यान लाना एक वचन से कि जड़ा
यहोवा मेरा चरवाहा मनुकट ही नहीं होवे, वो ध्यान नहीं कह रहे परमेश्वर। ध्यान लगाना यानी कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान लगाना, फोकस लगाना कि परमेश्वर का वचन मनु की कह रहे हैं, मेरा ध्यान सिर्फ उसके वचन पे होना चाहिए। शाम नु टाइम देना, सवेर नु टाइम देना, सिर्फ बाइबल दे, चाहे दो वचन पढ़ो लेकिन पूरा जूस कर दो उन्होंने। हालेलुया, उन्हें समझो की कह रहे हो। तुम्हारे लिए बाइबल च एक भी चीज ऐदा दी नहीं है जो परमेश्वर ने कहा मैं तेन दवांगा। बाइबल च लिखा मैं तेन दे चुका वा ऑलरेडी। हालेलुया, प्रैक्टिकली तुसी चलना है अपने लिए, मैं नहीं चलना, मैं अपनी लाइफ लिए चलना, तुसी अपनी लाइफ लिए चलना। आमीन। I mean.